एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी दर्शकों को देना जरूरी है। सदन में इस वक्त झारखंड मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है और सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। झारखंड मामले पर सदन के भीतर संग्राम, विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। काफी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था सदन शुरू होते ही, और उसके बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध के तौर पर वॉकआउट कर दिया है। अंकित का हम रुख करेंगे, सदन शुरू हुआ, हंगामा और अब विपक्ष का वॉकआउट। अंकित, बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष ने वॉकआउट किया है। कांग्रेस के सांसद सौरभ गोगोई जो सामने आकर के मीडिया के सामने आकर के जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके से झारखंड में जो चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, और वहां पर चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरन एक तरह से झूठे आरोपों के तहत उनको जो जेल भेजा जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश है। और लगातार जिस विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेर रहा है, और विपक्ष का ये कहना है कि आखिर ये कार्रवाई जो है जो चुने हुए मुख्य या विपक्षी जो नेता है उनके खिलाफ ही क्यों होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वक्त गौरव गोगोई जो बयान दे रहे हैं वो आपको सुनवा। एक मिनट रोकूंगे अंकित, आप रहिए हमारे साथ। निशिकांत दुबे इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। हमने रख दी क्या ये हाईकोर्ट के जजमेंट में, जो है लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि बरासी दी संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है, और इंडिया अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, वो लगातार प्राइवेट चॉपर में कहीं दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि झारखंड की सरकार स्थिर है, उनके पास एमएलए हैं, वो प्रूफ कर सकते हैं अपनी सरकार? अभी तो शपथ होगा, शपथ के बाद राज्यपाल महोदय ने समय दिया है, 10 दिन का इंतजार करना चाहिए अपने को। सर एक मिनट रुक जाओ। तो निशिकांत दुबे जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि पाप का घड़ा भर गया है, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन इससे देखकर लेकर जो सियासी संग्राम है वो लगातार बढ़ रहा है झारखंड में, और इसको लेकर विपक्ष का हंगामा सदन में भी आज देखने को मिला, जिसके बाद वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने विरोध के तौर पर, क्योंकि सीधे सीधे इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर, सरकार पर निशाना साध रहा है विपक्ष, ये कहते हुए कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है और विपक्ष मुक्त भारत चाहता है बीजेपी। ABP News आपको रखे आगे।